हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज आयशा एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो आज का जो वीडियो है वो है कलेक्टिव मेकअप हॉल. मीन्स मैंने रिसेंटली जो भी चीज़ें परचेस की है, बेसिकली मैंने कॉस्मेटिक्स जो है ज़्यादा परचेस किए, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी. मतलब मैंने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और वो कहाँ मिलती है, और अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो भी मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और ये कहाँ मिलती है, मैंने कहाँ से लिया, वो प्लेसेस में मैं आपको बता दूंगी. अगर आप वहाँ पे आसपास कहीं रहते हैं और ये कहीं भी मिल सकती है, मैं वो भी आपको बताऊंगी. तो बहुत ही रैंडम चीज़ें मैं उठा के आपको बताने वाली हूँ. कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा पहले वो होगा, जो मेरे हाथ में आएगा मैं वो बताना शुरू कर दूंगी. एंड हाँ, सबसे पहली बात ये कि बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें हैं. अफोर्डेबल के साथ साथ ये अच्छी भी है. ऐसा नहीं है कि मैंने 10 रुपये का 20 रुपये का चीज़ ले लिया, मतलब वीडियो बनाने के लिए. बट हाँ, क्या होता है कि वो स्किन के लिए ना अच्छी नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख कर मैंने ये चीज़ें ली है. और हाँ, इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं गिव अवे करने वाली हूँ, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो सबसे पहला जो है वो है स्पा विक बीबी मॉइस्चराइजर फ्रेश बीबी क्रीम. तो ये जैसे आपने देखा होगा ये अमेजोन पे बहुत आसानी से मिल जाती है. इसमें है SPF 25 PA++, और ये 8 आवर्स आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगी. एंड इसका जो शेड है मैंने लिया है 02 नेचुरल ग्लो. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने बस ऑर्डर किया और मुझे ये शेड मिला. ये परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए, और ये हाइड्रेट हो जाता है आपकी स्किन के साथ अगर आप लगाओगे तो. तो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल स्किन टाइप, और इसका जो प्राइस था ये 129 रुपीज का था. एंड ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, और इसकी जो क्वान्टिटी है वो गाइज है 15 ग्राम. तो ये 129 रुपीज का है. एक आई थिंक 30 ग्राम भी आता है, तो उसका प्राइस है 247 समथिंग. और ये छोटा सा ट्यूब है, एक हाथ से भी छोटा है, मेरे हाथ से भी हाँ काफ़ी छोटा है. बट ठीक है, मुझे ये ट्राई करना था इसलिए मैंने ये मंगाया. इसका जो शेड है मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, मेरी स्किन के साथ तो परफेक्ट मैच जो आ रहा है. अगर आपका स्किन भी मेरी तरह है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है. बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा. मुंबई में सिर्फ नाम की ठंडी होती है, हाँ थोड़ी रात में होती है, अदरवाइज दिन भर तो बहुत गर्मी होती है. तो ये बहुत अच्छा है जिनके स्किन को लाइक विंटर के नाम से भी ड्राई हो जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है. क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है तो गर्मी के लिए भी अच्छा है एंड ठंडी के लिए भी बहुत अच्छा है. एंड जो सेकेंड चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, ये मालियो का प्राइमर है. ये मैजिक परफेक्टिंग बेस फेस प्राइमर है. 24 आवर्स ये स्टे रहता है, मैट फिनिशिंग देता है, ऑयल फ्री. इसके बारे में जो भी लिखा है वो सबका सब सच है. मैंने गाइस इसे एक हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ. मैं चाहती थी आप लोगों को इसके बारे में बहुत पहले ही बताना, पर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं इसे अपने ऊपर खुद ट्राई करूँ काफी बार, तो ही मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पूरा फुल रिव्यू दूं आपको, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो मैं इसके बारे में पूरा रिव्यू भी दूंगी. अभी मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. बहुत ज्यादा स्मूथ करता है आपकी स्किन को मेकअप से पहले, बहुत ही क्लियर बेस देता है आपको. इसकी बॉटल बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है. आई मीन मतलब बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ इसकी पैकेजिंग है, बहुत ज्यादा अच्छा है. और इसका जो मैं आपको बताती हूँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है देखिए, ये बहुत ही स्मूथ है. मुझे तो बहुत पसंद आया है, बहुत ज़्यादा. और इसका जो प्राइस है गाइस, इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ ये आई थिंक 200 रुपीज का था. और ये मैंने जिनके पास से लिया है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनका वो पेज है इंस्टाग्राम पे, तो मैं आप वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन पे कहीं डाल दूंगी, तो आप जाके वो चेकआउट कर लेना. एंड हाँ, प्लीज मेरा नाम जरूर लेना कि हमें मतलब आयशा ने रेकमेंड किया है. एंड उसके बाद जो है वो है ये MN का चीक मेकर ब्लश पैलेट. इसका भी प्राइस जो था 200 या फिर आसपास ही कुछ था. और इसके साथ जो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है, बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है इसकी, बहुत ज़्यादा स्लीक है. और इसके पीछे भी बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ.
आई एम लविंग इट सीरियसली, आई लव दिस पैलेट. आई मीन पहली नजर का पहला प्यार होता है ना, ये मुझे इसके साथ हुआ था. इसके कलर्स, माई गॉड, आई मीन सीरियसली, ये सारे मैट शेड है, ये जो ये सारे मैट है और ये थोड़ा सा शिमरी शेड है. ठीक है, कोई बात नहीं, शादी वगैरह में भी ब्लश है थोड़ा शाइन करना चाहिए. मैं आपको ना इसका पिगमेंटेशन बताती हूँ. लुक एट दिस मैन, मतलब क्या है यार, क्या है, कितना प्यारा है, कितना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया है. मुझे जैसा ब्लशर चाहिए था ये एग्जैक्टली वैसा है. और इसकी पैकेजिंग भी जैसे मैंने आपको कहा बहुत अच्छी है, आप इसे खरीद सकते हैं. मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आसपास कहीं भी डाल दूंगी. एंड हाँ, इसके साथ में आपको एक एक ये छोटा सा कार्ड भी आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. मैं आपको ना बताती हूँ कि ये चीक पे कैसे काम करता है. मैं कलर इसमें से कोई भी ले लेती हूँ. ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप प्लीज़ बहुत ध्यान से इसको अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा है. मतलब ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना. एंड देन उसके बाद मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का 6 कलर टेरेकोटा मल्टी ब्लशर. ये जो है ब्लशर है, बट इसे आप सच में एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शिमरी शेड है. मैं आपको बताती हूँ इसके पिगमेंटेशन कैसे है, आप देखिए. वाओ, लुक एट दिस मैन, सीरियसली लुक एट दिस, इतने सुंदर है, इतने सुंदर. ये मैं आपको गोल्डन वाला बता रही हूँ, सिल्वर. तो ये आप ना इसे एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ. देखिए, हो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये एक्साइटमेंट का नतीजा है, आप देख सकते हैं. इसे आप ना ब्लशर यूज ही नहीं कर सकते, आप इसे हाइलाइटर ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है. मैं आपको ना दिखाना चाहती थी इसका रिजल्ट, इसीलिए मैंने मेकअप तो कर लिया था बट हाइलाइटर यूज नहीं किया था. पर आप देख सकते है ना. तो इसका जो प्राइस था वो भी 200 के आसपास ही था. देन उसके बाद जो मैंने लिया है वो ये पैलेट है. इसका मैंने मेकअप ट्यूटोरियल भी किया है, इसको मैंने ब्यूटी सेंटर से लिया था. आपको कोई भी ब्यूटी सेंटर से मिल जाएगा, मैंने घाटकोपर के ब्यूटी सेंटर से लिया था, A1 ब्यूटी सेंटर आई गेस. और इसका जो प्राइस था वो 125 था. ये मैट आई शेडो पैलेट है, इसमें आपको टोटल 12 शेड अवेलेबल है. इसमें आपको मिल जाएंगे अच्छे खास से, 2 पिंक हो गए, बाकी सारे वार्म शेड है, न्यूट्रल शेड है, बहुत अच्छा शेड है. अगर आप चाहते हो रेगुलर बेसिस के लिए तो ये काफी अच्छा, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है इसका. एंड देन उसके बाद मैंने लिया ये हुडा ब्यूटी का गिल्ली प्रेस ग्लिटर आई शेडो. आई नो ये ड्यूप है बट मुझे चाहिए था इसलिए मैंने लिया. एंड ये कुछ ऐसे दिखता है, गॉर्जियस, सच में बहुत अच्छा है. इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, आई थिंक 700 था, बट डिस्काउंट तो मुझे मिला था, इतना मुझे याद नहीं कितना मिला था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी तो आई डोंट नो कि कितना डिस्काउंट, पर हाँ मिला था. तो आप भी अगर डिस्काउंट मांगोगे तो मे भी आपको भी मिल जाए, बट ये ठीक है आप. लेकिन मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ना ये काफ़ी कॉस्टली था, बट इसका ऐसा है कि इसमें क्वान्टिटी बहुत कम है. जैसे देखिए, अगर मैंने प्रेस किया तो आपको ये अंदर की प्लेट दिखेगी, बट मैं आपको दिखाती हूँ. काफी अच्छा है वैसे तो, मैं आपको सिल्वर वाला बताती हूँ. अपनी आंखों पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो कैसे लगेगा वो, मस्त है ना. अच्छा तो है ये. अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया खरीदना जो आपको पता नहीं है कि लाइक प्रेस ग्लिटर खरीदना चाहते और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये ले सकते हैं, अच्छा है. बट हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अगर आप डिस्काउंट मांगोगे तो आई थिंक आपको डिस्काउंट मिल सकता है. देन उसके बाद मैंने लिया है ये मी ऑन का प्रोफेशनल मिस्ट एंड फिक्स, जो कि बहुत मस्त है. इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही यार. कम ऑन प्लीज, बंद करो ये यार, इन लोगों का काम ही नहीं बंद होता है. प्लीज गाइस माफ करना ये बैकग्राउंड बकवास सी आवाजों के लिए,
इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही क्यूट है और इसका प्राइस था 200। ये मैंने बांद्रा लिंकिंग सॉरी हिल रोड से लिया था, वहाँ पे भी बहुत सारी कॉस्मेटिक की शॉप्स है तो मैंने यहाँ वहाँ से ये लिया था, बहुत अच्छा काम करता है। बट हाँ, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी इसके बारे में कि अगर आप जैसे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो हम कभी कभी हम फाउंडेशन के बाद भी स्प्रे को मिस लाइक स्प्रे करते हैं अपने फेस पे, तो वो मत कीजिएगा क्योंकि वो करोगे ना तो कैसा होगा कि आप बहुत केकी हो जाएगा, क्योंकि मैंने किया था तो काफी केकी होता। बट अगर आप लास्ट में से अप्लाई करोगे ना काफी अच्छा इफेक्ट देता है और काफी लॉन्ग लास्टिंग है। देन इसके बाद है मेरे पास ये एडीएस का मेकअप फिक्सर, ये तो बहुत अच्छा है, आई मीन बहुत ही, और इसका भी प्राइस था गाइज 199-200 आप समझ लो, पर ये आपको बहुत सी जगह पे 150 का भी मिल जाएगा और ये बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से। बट हाँ, इसका एक माइनस पॉइंट है कि ये एकदम एकदम पिचकारी की तरह ये आता है, मतलब ऐसा कि आपके फेस पे पूरा ऐसे इक्वली नहीं आएगा ये, मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, देखिए देखिए ये सिर्फ यहाँ पे आया है अभी, ये मुझे बहुत इरिटेट करता है, ये मुझे इसका बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैसे काम करता है, जैसे हम होली में पिचकारी यूज करते हैं गन वाली या जो भी है तो कैसे एक ही स्ट्रोक में जाती है, ये बिल्कुल ही वैसा हो और बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, कभी भी आंख में भी चला जाता। लेकिन यार ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मस्कारा लिया है मैंने ये दो, काफी सुना था इसके बारे में, ठीक है अच्छा है, वाटरप्रूफ है। मुझे मस्कारा वाटरप्रूफ बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये निकलता नहीं जल्दी और जब निकलता है तो लैशेस को तोड़ के निकलता है, तो आई हेट वाटरप्रूफ मस्कारा, मैं फंस चुकी हूँ इसे लेके। अदरवाइज बहुत अच्छा है, काफी अच्छा काम करता है, बट हाँ वाटरप्रूफ है इसलिए अच्छा नहीं लगता मेरे को। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया लैक्मे आइकॉनिक का कर्लिंग मस्कारा, ये जो है ये ब्लू शेड में, ओ हो हो क्या मस्त है ये, आई मीन मैं अगर ब्लू आई लाइनर या फिर आई शेडो नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ इसे भी लगा लूंगी ना तो बताए ये मेरी ऐसे लगेगा कि मैंने ब्लू कलर का ना, देखिए आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा मैंने बहुत हल्का लगाया है, तो बताए ये इफेक्ट देता है, ऐसा लगता है कि आपने ना ब्लू कलर का लाइनर या कुछ आई शेडो लगाया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। और इसका जो प्राइस था मैं आपको बताती हूँ, ये जो मस्कारा हाँ इसका प्राइस था 350 बट मुझे 280 में मिला था, नायका पर से मैंने मंगाया था। और ये जो है मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा, इसका प्राइस था, सब फाड़ के रख दिया है मैंने कसम से, 525, तो ये मुझे 450 में मिला था, ठीक है। एंड उसके बाद है ये वेट एंड वाइल्ड का कलर करेक्टिंग पैलेट, बट गाइज मैं आपको बता दूँ ये ड्यूप है, एब्सोल्युटली ड्यूप है, ये आपको ना वहाँ पे मिल जाएगा अली एक्सप्रेस वेबसाइट पे, बट मुझे ये ऐसे लोकल शॉप में मिला था। पहले तो मैं बहुत शॉक हो गई थी कि यार वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे क्या कर रहा है, ओ माय गॉड। मैंने उसके बाद देखा कि हैंग फैंग, व्हाट इज दिस हैंग फैंग, क्योंकि मैंने देखा है वेट एंड वाइल्ड का कलर करेक्टिंग पैलेट पर उसमें हैंग फैंग नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा था कि मैंने जब देखा तो मालूम पड़ा कि ये ड्यूप है, तो ठीक है अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, 150 रुपीज का था। पूना स्टो का मेकअप स्पॉन्ज, ये मेरा सेकंड टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया है, पहले वाले जो दो थे वो खराब हो चुके थे, तो इसमें से एक तो मैंने यूज कर लिया, अब ये सेकंड ये बचा है। इसका जो प्राइस था वो था 899 रुपीज का नहीं था, हाँ प्लीज, इसका जो प्राइस था वो मुझे कुछ 250 समथिंग में दो मिले इसलिए मैंने ये लिया था, 250 भी नहीं था और थोड़ा कम था मुझे याद नहीं, बट एज यूजुअल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एंड देन उसके बाद मैंने लिपस्टिक्स लिया, बहुत सारी लिपस्टिक्स लिए मैंने। पहले तो मैंने ये ऐसे लिप लाइनर लिए है, ये है एडीएस का और हिलेरी रोधा का, पैकेजिंग एकदम सेम है, काम भी सेम करता है, ऐसे लगता है कि एक ही कंपनी में बनते हैं बस नाम बदल दिए। तो इसमें शार्पनर भी अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है। और इसकी जो पेंसिल है ये, इसका पिगमेंटेशन भी काफी अच्छा है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जगह ही नहीं बची है, देख सकते हैं इसका, ठीक है एज अ लिप लाइनर काफी अच्छा है, आप इसे लिपस्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये मरून शेड है, ये रेड शेड है। उसके बाद मैंने लिया ये दो एडीएस का वाइन बॉटल लिपस्टिक, ये मैट शेड है, मैं आपको बताती हूँ इस, ये जो शेड है ये है बर्गंडी शेड, थोड़ा मरून में भी आता है, एक्सट्रीम मैट है और 24 आवर्स बोलता तो है पर ठीक है, अच्छे टाइम तक ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और ये जो है ये बहुत ही सुंदर सा रेड कलर है।
एंड देन उसके बाद ये जो था ये मैंने 150 रुपीस का एक लिया है, मुझे दोनों 300 रुपीस में मिली थी। उसके बाद गाइस मैंने ये लिपस्टिक्स ली है, ये जो है ये ADS की लिपस्टिक है और इसका जो प्राइस था ये भी 40 रुपीस एक, नहीं ये जो थी वो 70 रुपीस ईच थी। तो मैंने यहाँ पे 5 शेड लिए हैं, 2 पिंक है एंड 3 रेड में आते, तो रेड में जो आते हैं वो है मरून, डार्क रेड, ब्लड रेड, चेरी रेड, और जो पिंक में आते हैं वो बेबी पिंक है और एक जो है वो अच्छा खासा थोड़ा डार्क पिंक है। तो मैं इसके आपको वो नहीं बताने वाली हूँ, स्वॉचेस नहीं बताने वाली हूँ इसके, मैं स्वॉचेस अगर आप चाहते हो तो मैं इसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी और मैं इसका गिव अवे करने वाली हूँ। तो जो कोई भी चाहता है तो वो कमेंट करे इसके बारे में जानना चाहते हो तो आज के लिए फिलहाल इतना ही गाइस। आई होप आपको मेरा ये बहुत ही बड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप नए हो तो, और अगर आप पुराने हो तो एज यूजुअल मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।